मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम बात करेंगे टिकारी राज की। टिकारी बिहार के सबसे महत्वपूर्ण जमींदारियों में से एक थी। टिकारी बाकी रियासतों की तरह कोई रियासत नहीं थी, इसका मतलब यह है कि उसके पास अपनी आर्मी या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, पर वो जैसे दरभंगा, डुमराव और हथवा है, वैसे एक बहुत महत्वपूर्ण जमींदारी थी और बिहार के इतिहास में टिकारी राज का एक अपना महत्व है। टिकारी जो है वो गया या बोध गया, जो बौद्ध धर्मियों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, उसके पास में स्थित है और ये जो पूरा इलाका है ये मगध का इलाका है। अब जैसे हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट 3000 साल से मगध भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पर मौर्यन राजाओं ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ जैसे गौतम बुद्ध है या जैन तीर्थंकर महावीर है, तो यहाँ पर उनका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पनपा। और फिर यहाँ पर यहाँ पे फसल बहुत अच्छी है, यहाँ पे गंगा के तट पे ट्रेड और कॉमर्स होता है। तो मगध जो क्षेत्र रहा है वो भारत के इतिहास का बहुत समृद्ध क्षेत्र रहा है। और फिर आगे चल के जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर पाला, जो बंगाल के पाला सम्राटों का राज था, फिर आगे चल के दिल्ली सल्तनत का राज हुआ, या फिर मुगलों का राज हुआ। जो टिकारी राज की कहानी शुरू होती है वो 18वीं शताब्दी में शुरू होती है। अब उस समय बिहार का जो इलाका है वो सूबाए बंगाल में आता था और उस पर मुर्शिदाबाद के नवाब रूल करते थे। और पहले जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने मुर्शिदाबाद में अपनी राजधानी बनाई थी। और फिर आगे आगे जैसे मुग़ल साम्राज्य टूटता गया और मुग़ल साम्राज्य की ताकत ख़त्म होती गई, तो वैसे वो सेमी इंडिपेंडेंट रूलर बन गए। पर उस समय कैसे होता था कि जो नवाब है बंगाल के वो मुर्शिदाबाद से राज करते थे, बट मोस्टली ये जो बाकी के जो इलाके हैं वो बड़े बड़े और पावरफुल ज़मींदारों के अंडर होती थी। और ये जो पावरफुल जो ज़मींदार है वो जो नवाब है उसको लगान दिया करते थे। और ये जो ज़मींदार होते थे उनकी अपनी आर्मीज होती थी, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था, एंड उनको सिर्फ एक पेमेंट देनी होती थी और मिलिटरीली सपोर्ट करना होता था। लेटर ऑन जब अंग्रेज़ आए तब क्या हुआ कि काफ़ी ये जो उनका एक बहुत अजीब सिस्टम था कि जैसे उन्होंने काफ़ी जो ज़मींदार थे, जैसे कि बनारस हो गया या जो ओडिशा की जो रियासतें थी जैसे कि बोलंगीर एंड ऑल, जो ज़मींदार स्टेटस की थी उन्हें रियासत बना दिया। और जो बाकी जो ज़मींदार थे जो रियासत बन सकते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल दरभंगा हो गया, डुमराव हो गया या टिकारी हो गया, तो उन्हें उन्होंने ज़मींदार की लेवल पे एक हम बोलते हैं डाउनग्रेड किया कि आप अपना आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रख सकते हैं। तो जब मुर्शिद कुली खान के बाद फिर एक वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ और अली वर्दी खान बंगाल के नवाब बने। अली वर्दी खान के समय में ये जो मगध का इलाका है वहाँ पे राजा सुंदर सिंह और फिर उनके सक्सेसर राजा धीर सिंह हुआ करते थे। वो भूमिहार ब्राह्मण परिवार से थे और इस एरिया से वो लगान और सारा जो टैक्स है और एडमिनिस्ट्रेशन वो इस एरिया का संभालते थे। उन्होंने अपनी राजधानी एक हम बोलते हैं टीकरी या हिलॉक पे बनाई थी। अब हमें समझना चाहिए कि ये गंगा नदी बहुत दूर नहीं है और फ्लड्स यहाँ पर काफ़ी आते थे उस समय मानसून में, तो आपको अगर अपनी राजधानी बनाई थी एक हायर लेवल पे ताकि गंगा जी का पानी ना आ सके और एक प्रॉब्लम ना हो सके, तो उसे एक टिकड़ी या हिलॉक पे बनाया था। और फिर वो आगे चल के ही टिकरी या टिकारी बुलाया जाने लगा। टिकारी में एक बहुत ही स्पेक्टेक्युलर किला है जो इंडो गैंजेटिक प्लेन का, उत्तर भारत का और इनफैक्ट और बिहार का सबसे स्पेक्टेक्युलर किला है। सैडली उसकी हालत बहुत ही ख़राब है और ये वो एक ट्रेजेडी है, पर अगर इस टिकारी के किले को मेंटेन किया जाए तो जो राजस्थान और जो बुंदेलखंड के जो किले हैं उसके साथ ये कम्पीट कर सकता है। तो ये आज का जो टिकारी का जो खंडहर हुआ जो किला है वो एक समय इन राजा सुंदर सिंह और राजा धीर सिंह की राजधानी हुआ करता था।
और उस समय टिकारी के पास अपनी आर्मी थी, उनकी काफ़ी झड़पें होती थी जब बाकी राजाओं के साथ, और फिर जो बंगाल के जो अलीवर्दी खान है उनके साथ उनकी झड़पें होती थी कभी कभी, वो यू नो नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद के साथ मेल करके कॉमन एनिमीज़ के साथ लड़ते थे और एक अपना वो सिस्टम बना रहा। पर ये सिस्टम चेंज हुआ 1757 में, जब नवाब अलीवर्दी खान के सक्सेसर नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये जो लड़ाई हुई, उसके बाद बंगाल की जो दीवानी है, जो रेवेन्यू जो पावर्स हैं, वो सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए। और जैसे हमने बनारस के एपिसोड में कहा था कि जी ये जो अंग्रेज़ जो थे वो पूरी तरह से इन ज़मींदारों को निचोड़ने लगे, और जैसे बहुत बड़े बड़े जो ज़मींदारी थी 15,000 स्क्वायर माइल्स की, उन सबको वो अगर वो उस समय क्या होता था कि उनको एक पेमेंट देना होता था, और अगर वो पेमेंट नहीं दिया तो वो ज़मींदार जब्त करके वो नीलाम कर देते थे। दे वर वेरी ब्रूटल इन दैट वे। फिर आगे चल के लॉर्ड कॉर्नवॉलिस जब भारत के गवर्नर जनरल बने ईस्ट इंडिया कंपनी के, तब उन्होंने एक सिस्टम डिफाइन किया जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाने लगा। अब इस परमानेंट सेटलमेंट के तहत जो पहले जैसे जो भी मुँह मांगा रकम जो कंपनी मांगती थी और ऑब्सीन अमाउंट्स मांगती थी वैसे नहीं था, उन्हें एक फिक्स्ड ये ज़मींदारों को एक फिक्स्ड सिस्टम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको देना पड़ता था। और इसी परमानेंट सेटलमेंट के तहत टिकारी एक ज़मींदारी बन गई। और पर उस समय अंग्रेज़ों ने क्या किया कि ये जो ज़मींदार थे उनके जो आर्मीज थी वो सब आर्मी के जो पावर्स थे, जुडिशियल पावर्स थे, वो सब ले लिए। मतलब टिकारी में दरभंगा की ही तरह जो राज दरभंगा था उसी तरह टिकारी का राज था, डुमराव का राज था, बट उनका अपना कोई दीवान या प्राइम मिनिस्टर नहीं था, उनके अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था, उनका अपना झंडा नहीं था, उनका गन सल्यूट नहीं था, और उन्हें कोई हक नहीं था कि उनका अपने जैसे हैदराबाद या बड़ौदा या इवन ओरछा जैसी रियासतें अपना कॉइन्स हो, नोट्स हो, वैसे उनके पास कोई पावर्स नहीं थी। सब ब्रिटिश अमल यहाँ पर चलता था। उस समय यहाँ पे जो टिकारी के राजा थे वो राजा मित्रजीत सिंह करके थे, उनके अंग्रेज़ों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, और इसी वजह से क्योंकि राजा मित्रजीत सिंह के अंग्रेज़ों के साथ अच्छे संबंध थे जो टिकारी राज है वो बच पाया, बिकॉज जैसे बाकी राज है वो नीलाम हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, पर टिकारी राज बचा रहा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि टिकारी राज का रेवेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था कि पिलग्रिम टैक्स। अब हिंदू धर्म का भी और बुद्धिस्ट धर्म का भी काफ़ी पिलग्रिम्स आते थे, और जो टिकारी के जो राजा थे उनको राइट था कि 10% जो पिलग्रिम टैक्स, तो जब आप आज भी जैसे तिरुपति जाओ या शिरडी जाओ आपको एक पिलग्रिम देना पड़ता है पिलग्रिम टैक्स, तो उसी तरह से लोगों को उस टाइम पे जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसे एक टैक्स देना पड़ता था, और उसका 10% हिस्सा टिकारी राज को जाता था, तो उसकी वजह से एक समृद्धि आई थी। टिकारी जो था वो एक छोटा सा गांव था, तो ये जो टिकारी के जो राजा है उनका जो उनके जो दो महल थे जिसे वाइट हाउस और रेड हाउस कहा जाता था, ये दोनों महल गया में ही थे, एंड गया में उनकी काफ़ी आधा गया तो उन्हीं की संपत्ति थी। राजा मित्रजीत सिंह के निधन के बाद जो टिकारी राज है उसके दो जो हिस्से हो गए, एक हिस्से को जो बड़ा हिस्सा था उसे 9 आना इस्टेट कहा जाने लगा, और जो छोटा हिस्सा था उसे 7 आना इस्टेट कहा जाने लगा। अब जो 9 आना इस्टेट है फिर वो राजा मित्रजीत सिंह के जो ग्रैंडसन थे, ग्रेट ग्रैंडसन थे, वो उसी पीढ़ी में चला जाने लगा। इस 9 आना इस्टेट की एक महत्वपूर्ण रानी थी, रानी राजरूप कंवर, जिसने टिकारी राज हाई स्कूल, जो आज भी उसी के कारण टिकारी राज फेमस है कि उन्होंने टिकारी राज हाई स्कूल की स्थापना की, कई मंदिरों को दान दिया, कई देवालयों को दान दिया, अनाथ आश्रम और जो वृद्धाश्रम है उनको काफ़ी दान दिया रानी राजरूप कंवर ने। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि रानी राजरूप कंवर ने अलवर के महाराजा से एक गुलिस्तान
जो कलेक्शन ऑफ पोइट्री है उसकी किताब खरीदी थी। ये जो किताब है ये सोने, लिटरली लाइक सोने के इस पे बनी हुई है, उस पे प्योर सोने के कोटिंग्स हैं, और ये बादशाह औरंगज़ेब ने खुद लिखी है, और इसमें एक्चुअल असली सोने के पन्ने लगे हुए हैं, लाइक गोल्ड लीफ जो 24 कैरेट 22 कैरेट का जो सोने का ये लिखा हुआ है। और ऐसा मानना है कि जो इंक है इसकी वो जो एमरल्ड होता है, जमरूद बोलते हैं जिसे, पन्ना बोलते हैं, उसे कूट कर, वो पन्ने का कूट बनाकर इसका इंक बनाया गया था। और ये बहुत ही मौल्यवान किताब है जो आगे चल के टिकारी राज हाई स्कूल में रखी गई, फिर अभी रिसेंटली कुछ 10-12 साल पहले वहां से चोरी हुई, फिर वो फिर से मिली, पर उसका वो बहुमूल्य है, वो किताब प्राइसलेस है, वो इसी समय में टिकारी राज के पास आई थी। राजपूत कंवर की बेटी थी भुवनेश्वरी कंवर, वो पर उस समय पर उनका निधन बहुत जल्दी हो गया, और उनका एक बेटा था गोपाल शरण सिंह। अब गोपाल शरण सिंह जब 3 साल के थे तभी उनकी माता जी का निधन हो गया था, फिर उनके पिताजी भी बहुत, जब वो गोपाल शरण सिंह कम उम्र के थे तभी वो निधन हो गए, और उस समय टिकारी राज पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, और इन अंग्रेज मैनेजर्स ने इतनी अच्छी तरह से जो टिकारी राज को संभाला था कि जो इनकम जो आता था वो उसे बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्ट करते थे, उसे फिक्स डिपॉजिट में रख के नॉल। तो जब गोपाल शरण सिंह 18 साल के हुए और जब उन्हें टिकारी राज का कारोबार सौंपा गया, तो उसके साथ मतलब जमींदारी के साथ और स्टेट के साथ उन्हें लाखों लाखों रुपए, जो आज यू नो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में होगी, ऐसी कैश और संपत्ति उसके साथ में। अनफॉर्चुनेटली जो राजा गोपाल शरण सिंह थे, इवन वो बहुत ही शॉकिंग, ही वाज अ वेरी डेबोनेर प्लेबॉय मैन, उन्हें अच्छी चीजों का बहुत शौक था। अर्ली 1900s में राजा गोपाल शरण सिंह की एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस जो कैलकटा में परफॉर्म कर रही थी, एलिस थॉम्पसन करके, उनसे मुलाकात हुई और एक लव ट्रायंगल हुआ, बिकॉज जो कूच बिहार के राजा है राज राजेंद्र नारायण, जो महारानी गायत्री देवी के चाचा, उनका भी उन्हें भी पसंद थी ये एलिस थॉम्पसन और गोपाल शरण सिंह को भी, तो एक लव ट्रायंगल जैसे बन गया। आगे चल के गोपाल शरण सिंह ने एलिस थॉम्पसन के साथ शादी कर ली और शी बिकेम द ऑस्ट्रेलियन रानी ऑफ टिकारी, और कई उनके खूबसूरत फोटोज हैं जिसमें वो टिकारी राज के पेशवा बहुमूल्य हीरे जवाहरात पहन के उनके वो फोटोग्राफ उन्होंने खींचे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो पैसा इतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाए और उनका निधन हो गया 1950s में, बहुत ही बुरे इकोनॉमिक कंडीशन में, मतलब उनका सारा पैसा चला गया था उनका। और फिर यू नो 1950s में जब गोपाल शरण सिंह का निधन हो गया तो उनकी हिंदू पत्नियों से कोई औलाद नहीं थी, उनकी एक मुस्लिम वाइफ थी जो आगे पाकिस्तान चली गई, पर उनके परिवार के कुछ सदस्य अभी भी जो है वो बिहार पटना में और गया में रहते हैं। तो ये था नौ आना शहर की कहानी।